आज की रैली से चुनाव पे बहुत ही अच्छा प्रभाव गिरेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ पे आ रहे हैं और उन्होंने जो महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के नए बदलाव का जो काम उन्होंने किया हुआ है वो निश्चित रूप से स्मरणीय है। इसके लिए सभी जनता उनसे खुश भी है, उनके वक्तृत्व से खुश है। और अगर आज जो भाषण में अच्छी तरह से इस सभा को, इस रैली को संबोधित करते हैं और महाराष्ट्र में हुए उन्होंने 5 साल भी जो काम किए 4.5 सालों में, वो निश्चित रूप से वो सामने रखेंगे और सभी जनता भी उनके वक्तृत्व को सुनने के लिए उत्सुक है। इसीलिए हम लोग रैली से बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग संतुष्ट होना चाहते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है इस वक्त? बहुत ही अच्छा जोश है और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता तीनों पक्ष के बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में। धन्यवाद। आज की जो इतनी बड़ी भव्य रैली हो रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में भाजपा शिवसेना का जोर है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हम लोग कम से कम 36 से 37 सीटें हम परफॉर्मेंस करेंगे और आज की रैली हमारी बहुत बड़ी रैली साबित होगी। और आज के कार्यकर्ताओं में क्या जोश है? मतलब कार्यकर्ताओं में एकदम जोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ी लहर है और उसका प्रभाव उत्तर मध्य क्षेत्र से पूनम महाजन जी भारी मतों से जीत कर आएगी। फिर आपको क्या लगता है ऐसा क्या कार्य किया है उनने कि वापस लोग में वही जुनून है कि उनको वापस जाके वोट करें? पूनम महाजन जी ने पूरे सिर्फ उत्तर मध्य में नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष में उन्होंने काम किया है। यहाँ पर एयरपोर्ट की समस्या है, बहुत सारे जो ओपन स्पेस डेफिसिट की समस्या, ऐसे बहुत सारे कार्य उन्होंने जमीनी स्तर पर किया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है। इसलिए लोगों का भरपूर विश्वास है उनके ऊपर और भारी मतों से वो चुन करके आएगी। ये चुनाव को मोड़ देने वाली एक रैली है, चुनाव का फैसला कर देने वाली ये रैली है। आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने पूरे के पूरे महाराष्ट्र में काम का रेला लगा दिया हुआ है, आप लोगों को दिखता होगा मेट्रो मोनो हर विषय पे वो पर्सनल लेके काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इस जनता को संबोधित करेंगे, नेहरू नगर की जनता को संबोधित करेंगे, तो अपने आप ही एक माहौल ऐसा बन जाने वाला है। वैसे भी माहौल एक ऐसा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का माहौल है, हर जगह अगर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा। इस रैली से आज का जो मुख्यमंत्री के विचार सुनने के बाद लोगों में ज़्यादा जोश भर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है और वो बढ़ा हुआ मतदान भाजपा की तरफ ही जाएगा। और पूनम जी जो गए वक्त में जिस मार्जिन से जीती थी उससे भी ज़्यादा, एक लाख से 1.5 लाख के ज़्यादा मार्जिन से जीतने की उम्मीद हमको लगती है इस रैली की वजह से। और कार्यकर्ताओं में कैसा जुनून दिख रहा है आपको? कार्यकर्ताओं में काफ़ी जुनून दिख रहा है। अभी सभी जगह से, सभी विधानसभा से कार्यकर्ता यहाँ इस सभा के लिए पहुँच रहे हैं। रैली के माध्यम से वो जगह जगह से अपने क्षेत्र से रैली निकाल के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए वो लोग को थोड़ा देरी हो रही है। और मेरे को लगता है कि ये मैदान पूरा भर जाएगा और लोगों को यहाँ पर बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ने की संभावना। जैसे क्या होगा चुनाव में प्रभाव? नहीं, सभा की वजह से पहले से ही पूनम दई की तरफ से ही सब होने वाला है, क्योंकि ताई ने हमारी पूरे लोकल नगर सेवक की यहाँ से काम किया है पूरा। ताई हमारी लाडली है, बोलेगे तो बहुत ही, यानी किसी को कभी कौन उसके ऑफिस में जाए, कुछ भी होवे, कौन कहाँ से आया, कौन से पार्टी से आया, कभी देखती नहीं है, घर के जैसा, घर परिवार के जैसा वो सबको ये करती है। और इतना काम किया है वो, हर आने वाली है चुन के, आगे 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 और आगे जाने वाली है, हमको उसको आगे जाके देखना है बड़ी जगह पे। धन्यवाद। मौको देखते हुए पर देवेंद्र फडणवीस जी का आना और कुर्ला विधानसभा में उनकी ये सभा करना, ये लोगों में और कार्यकर्ताओं में एक जोश भर रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत सारी बातें कही, जैसे अभी राज ठाकरे पे भी उन्होंने कई टिप्पणियाँ की, वो राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों को मारते पीटते थे, आज वही मनसे के लोग जो है कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आता कि कांग्रेस के राज में जब उत्तर भारतीय मार खा रहे थे तो ये मनसे और कांग्रेस की मिलीभगत थी जो आज उजागर हो गई है चुनाव में। और देवेंद्र फडणवीस जी आके अपने कामों को गिनाने वाले हैं। उन्होंने जो बात कही थी सबका साथ सबका विकास,
वही बात होने वाली है और जीत तो हमारी निश्चित है। आप ये सब भीड़ और कार्यकर्ताओं का जोश देख के समझ सकते हैं। जैसे कि आपने उत्तर भारतीयों का बात किया, यहाँ पे हमने काफी कार्यकर्ताओं को देखा जो उत्तर भारतीय है, तो आप हमें ये तो दिख रहा है कि आप उनका सपोर्ट ले रहे, मतलब वो आपको समर्थन दे रहे हैं, पर लोगों का कैसा जुनून है यहाँ पे आज की रैली को लेके? देखिए, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है, उसमें एक विशेष वर्ग उत्तर भारतीय आते हैं, जहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं पर मुंबई कर है क्योंकि हमारा पैदाइश मुंबई में हुआ है, ठीक है, तो भाजपा के साथ सभी वर्ग सभी जाति के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसमें उत्तर भारतीय या महाराष्ट्रीयन गुजराती ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो सकती है, मनसे हो सकती है, जो एक विशेष वर्ग को लेके चलती है। और अभी आपने बात की मनसे की, तो मेरे पास संजय निरुपम के कुछ वीडियो क्लिप्स व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं कि एक साल पहले जो राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को लुक्खा और राज ठाकरे को लुक्खों का सरदार बोलते थे, आज वही पार्टी बेचारे संजय निरुपम के पीछे लेके उनका समर्थन कर रहे हैं। तो मनसे की स्थिति क्या है वो आप सब समझ सकते हैं, हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। कैसा जोश होगा लोगों में? जोश तो मैं क्या कहूँ, 100% और 100% ताई आने वाले है ही, लेकिन हमें सिर्फ इतना है कि मार्जिन हमको ज्यादा से ज्यादा लानी है। तो आपके जैसे जोश है तो क्या आपके कार्यकर्ताओं में भी वैसे जोश है? बहुत ज्यादा जोश है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।